वेलकम टू एसएससी मेडी जी। आखिरकार एसएससी स्कैम के खिलाफ स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया लेवल पर किया गया प्रोटेस्ट रंग लाया और सरकार को भी ये बात समझ में आ गई कि ऑनलाइन परीक्षाओं में जितनी भी धांधली चल रही है, अगर उस धांधली को खत्म करना है तो उसका एक और मात्र एक ही रास्ता है, वो है सरकारी वेंडर। तो सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, बड़ा ही सराहनीय कदम माना जाएगा कि सरकार ने जितने भी प्राइवेट वेंडर हो, चाहे वो TCS है, सीफी है या सत्वत है, सारे प्राइवेट वेंडरों की छुट्टी करने जा रही है। मतलब अब आने वाले समय में TCS या सीफी या कोई भी प्राइवेट वेंडर किसी भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो प्रश्न यह है कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाएगा, वो एक सरकारी वेंडर होगा। गवर्नमेंट ने एक सरकारी वेंडर को फाइनलाइज कर दिया गया है और इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रहता है उसकी वहां से परमिशन मिल चुकी है अब, और यूनियन कैबिनेट के पास इस बिल को भेज दिया गया है। और ये जो वेंडर होगा उसका नाम है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो रेलवे, SSC और बैंक या जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जामिनेशन होती है सारी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगा। पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अन अकेडमी पर 1 अक्टूबर से जो प्राइजेस हैं अन अकेडमी प्लस के वो बढ़ रहे हैं। अगर आपको प्लान लेना है कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान तो इस महीने ही ले लीजिए, जिससे आपको सस्ता पड़ेगा, नहीं तो प्लान जो प्राइजेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और SSC में रेफर कोड यूज़ करने पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए 12 मंथ वाला 4,050 रुपये में पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग प्लान फॉर न्यू एजेंसी टू हैंडल एग्जाम फॉर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट गेट्स मिनिस्ट्री नोट। मतलब जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो जितनी भी कराई जाती है उसके लिए जो एजेंसी है वो एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री होगी, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी। पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। इसमें से जो काम की चीज़ें हैं मैं आपको आसानी भाषा में समझा देता हूँ, लेकिन अगर आपको ये चाहिए हो तो मैंने इसको फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जितनी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएंगी अब से उसको NRA मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट वेंडर कह सकते हैं आप, ये कंडक्ट करेगी। और CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिस्ट, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ कैंडिडेट जो मतलब प्री एग्जामिनेशन में बैठते हैं, वो CET यही NRA के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और जो NRA के गठन की जो परमिशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उसको उसके द्वारा अप्रूव कर दिया गया। मतलब इसके गठन के लिए और इसको चलाने के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से सारा पैसा आवंटित कर दिया गया है और इसके फाइनल अप्रूवल के लिए यूनियन कैबिनेट के पास ये भेज दिया गया है। अब इसमें पंगा यह है कि ये जो NRA है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये सिर्फ प्री एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगा, चाहे वो SSC हो, IBPS हो या रेलवे हो या कोई भी दूसरी NYKS की परीक्षाएं होती हैं, NVS की परीक्षाएं होती हैं, कोई भी परीक्षाएं होंगी वो NRA के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी प्री। लेकिन जो मेंस है वो मेंस ये NRA के द्वारा कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। मेंस जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे SSC का जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो SSC खुद कंडक्ट कराएगा, रेलवे की जो NTPC की जो मेंस एग्जामिनेशन होगी वो NTPC खुद कंडक्ट कराएगी। और इसमें एक चीज़ ये भी कहा गया है कि जो बैंक क्लर्क की जो IBPS की परीक्षाएं हैं वो उसकी प्री तो NRA के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, लेकिन जो बैंक PO की परीक्षा है इसका प्री प्लस मेंस या कोई भी एग्जामिनेशन बैंक PO की NRA के द्वारा कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। बैंक PO की एग्जामिनेशन के लिए कोई भी प्राइवेट वेंडर हायर किया जाएगा उसके द्वारा कराई जाएगी और जरूरत भी नहीं लगती, क्योंकि बैंक PO में आप समझ सकते हैं कहीं भी कोई धांधली होती नहीं है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। लेकिन वही हम बात करें SSC और रेलवे की तो आपको पता है कि कितना फटेहाल टाइप का सिस्टम है। तो गवर्नमेंट को भले हम कितना क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है और इसको बहुत ही जल्द इंप्लीमेंट करने जा रही है तो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय कदम माना जाएगा और इसी तरह से गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।